हेलो एवरीवन, दिस साइड सीएम विपुल शाह। आज अपन जानेंगे कि आईपीओ में बुक बिल्डिंग क्या होती है और उसका कंपनी को फायदा कैसे होता है। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो नीचे मैंने लिंक दिया है, उसको क्लिक करके यू कैन ओपन फ्री डीमैट अकाउंट। यू कैन ओपन फ्री डीमैट अकाउंट। एंड वीडियो अच्छा लगा तो एंड में लाइक भी करना है और हमारे चैनल को फॉलो भी करना है। नाउ, अभी बुक बिल्डिंग का मतलब सिंपल वर्ड्स में, कंपनी एडवांस में उनके शेयर का प्राइस रेंज फिक्स करती है। ये मिनिमम, मतलब अगर आपको आईपीओ के लिए अप्लाई करना है तो आपको रेंज मिलता है कि इससे नीचे आपको शेयर्स नहीं मिलेगा और इससे ज़्यादा उसका प्राइस है। तो एक रेंज पता चलता है कि कंपनी का जो प्राइस है वो किस रेंज में रहेगा, तो उसका फेयर प्राइस या जेन्युइन प्राइस, इंट्रेंसिक वैल्यू पता चलता है। सो इसको बोलते हैं बुक बिल्डिंग। तो ये मर्चेंट बैंकर होते हैं या इन्वेस्टर्स होते हैं जिनसे बिड मंगाए जाते हैं। तो दीज आर द इंडस्ट्री एक्सपर्ट, बेस्ड ऑन देयर एनालिसिस दे बिड सम, मतलब वो प्राइस कोट करते हैं कि हम इतने में खरीदने को रेडी है। तो ऐसे सभी से बिड कलेक्ट किए जाते हैं एंड फिर एक कट ऑफ प्राइस फिक्स किया जाता है। क्या कह सकते, कट ऑफ प्राइस की इस यहाँ तक उसका लिमिट होगा, करेक्ट ना? एंड देन उसके लिए एक अंडर राइटर भी अपॉइंट किया जाता है। सो बेसिकली इससे कट ऑफ प्राइस पता चलता है एंड कंपनी को आइडिया आता है कि अपने शेयर्स का मार्केट में अप्रोक्सीमेटली प्राइस कितना है। एंड इन्वेस्टर को भी पता चलता है कि अपन ने कितना पे करना चाहिए, तो उससे थोड़ा ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ता है। उसके स्टेप जानते हैं, तो सबसे पहला स्टेप होता है एक अंडरराइटर को अपॉइंट किया जाता है, करेक्ट ना? सो ये इन्वेस्टमेंट बैंकर होते हैं जो कंपनी का पूरा इश्यू साइज देखते हैं, कितने शेयर्स है, कंपनी क्या करती है, उस बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं, करेक्ट ना? देन मिनिमम मैक्सिमम प्राइस फिक्स किया जाता है, करेक्ट ना? एंड उस प्राइस के बेसिस पे बिडिंग दिया जाता है। सेकेंड स्टेप में जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है या जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो लोग बिडिंग करते हैं। बहुत सिंपल है, करेक्ट ना? बिडिंग का मतलब है कितना अमाउंट वो देने को रेडी है। तीसरा होता है अंडरराइटर जो होता है वो सभी से बिड जमा करता है, करेक्ट ना? सो वो अलग अलग प्राइजेस के प्रपोजल कंसिडर करता है एंड बेस्ड ऑन दैट वो टेक्निक यूज करता है, वेटेड एवरेज टेक्निक। एंड वेटेड एवरेज टेक्निक के बेसिस पे एक फाइनल प्राइस डिसाइड किया जाता है जिसका नाम है कट ऑफ प्राइस, है ना? तो एक कट ऑफ प्राइस होता है कि इतना तो होना चाहिए प्राइस, करेक्ट? इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं, इतना तो प्राइस होना ही चाहिए, इसको बोलते हैं कट ऑफ। देन फिर स्टॉक एक्सचेंज चाहता है कि आप इसको पब्लिकली इन्फॉर्मेशन शेयर करो, तो ये इन्फॉर्मेशन पब्लिकली सब जगह पे फिर शेयर किया जाता है, सो दैट इन्वेस्टर कैन टेक डिसीजन और उनके ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाता है कि कंपनी में हमने इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करेक्ट? उसके बाद फाइनल एलोकेशन होगा, है ना? फिर जैसे आईपीओ होता है ना, करेक्ट ना? तो जिन लोगों ने अप्लाई किया है बिडिंग के हिसाब से उनको अलॉट होगा। अभी सब कट ऑफ प्राइस 100 रुपया है, किसी ने 80 का बिडिंग दिया तो 120 रुपीज लिया जाएगा एंड किसी ने 120 देने को रेडी तो उसको 20 रुपीज वापस दिया जाएगा। तो कट ऑफ प्राइस के ऊपर जिनका पैसा है उनको वापस दिया जाएगा, जिन्होंने कम दिया है उनसे पैसा लिया जाएगा, तो सरप्लस वापस दिया जाएगा, शॉर्टफॉल उनसे कवर किया जाएगा। तो ऐसे फाइनल उसका एलोकेशन होता है। नाउ, अब इसमें दो तरह के प्रोसेस होते हैं, मतलब बुक बिल्डिंग जो होता है दो तरह से होता है। पहला है एक्सेलरेटर बुक बिल्डिंग, यहाँ पे बिडिंग नहीं होता है, यहाँ पे ऑक्शन किया जाता है, ऑक्शन के बेसिस पे प्राइस फिक्स किया जाता है और ये एक दो दिन में हो जाता है। एंड सेकंड है पार्शल बुक बिल्डिंग प्रोसेस, मतलब क्या है कि वही है कुछ मतलब कुछ बिडिंग जो इन्वाइट किए जाते हैं वो लेंडिंग इंस्टीट्यूट से मंगवाए जाते हैं एंड रादर देन पब्लिक ये किनसे लिए जाते हैं अपन, मैंने यहाँ पे दिया है दीज आर फ्रॉम लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, उनसे बिड मंगवाए जाते हैं, करेक्ट ना? एंड उस बेसिस पे अब हम प्राइस फिक्स करते हैं, वो प्राइस फिर पब्लिक के लिए ऑफर किया जाता है। इसका प्राइस थोड़ा कम रहता है, खर्चे कम रहते हैं एंड एफिशिएंसी उसका ज्यादा रहता है। तो अभी इसका बुक बिल्डिंग का एडवांटेज क्या है, व्हाई कंपनी वांट्स टू नो प्राइस इन एडवांस? सबसे मैंने पहले कहा इन्वेस्टर को पता चलता है कि कंपनी के शेयर्स का जेन्युइन प्राइस कितना है बेस्ड ऑन बिडिंग, करेक्ट है? देन कंपनी को खुद का वर्थ भी पता चलता है कि कितने लोग बिडिंग में आने को रेडी, तो जितना बिडिंग ज्यादा होगा दैट मीन्स लोगों का आपके भरोसा ज्यादा है। तीसरा, स्टॉक मार्केट में ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाता है क्योंकि जेन्युइन प्राइस पिक्चर में आता है कि कंपनी का जेन्युइन प्राइस इतना होना चाहिए, करेक्ट ना? अकॉर्डिंगली फिर आगे भी मूवमेंट अच्छा हो जाता है कि लोगों को उसमें भरोसा होता है कि अरे इतने लोग अगर इतना पैसा देने को रेडी है दैट मीन्स ये जेन्युइन प्राइस है। तो अपने को भी एक आइडिया आता है कि अपने कितना पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना है। तो गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।